वापस लौटाने के लिए तो वो बैंक प्लान जो है यूएस कोर्ट ने अप्रूव कर दिया है तो अब यहाँ पे सिक्सटीन बिलियन डॉलर इन एसेट्स को रिपे करेंगे अपने कस्टमर्स को यूएस बैंक जज जॉन डोरसी अप्रूव द डाउन प्लान एट अ कोर्ट हियरिंग इन डेलवेयर अब इस बैंक प्लान के अकॉर्डिंग 98% ऑफ जो कस्टमर एसेट्स है वो रिपे करने वाले हैं एफ एफ एक्सचेंज जो था वो एक टाइम पे लार्जेस्ट एक्सचेंज हुआ करता था लेकिन उसके जो फाउंडर है सैम बैंकमैन फ्रीड उन्होंने कस्टमर के फंड को मिसअप्रोप्रिएट किया था इसकी वजह से उनको 25 साल अब जेल में बिताने पड़ेंगे फ्रॉड करने के लिए यहाँ पे जो कस्टमर है ये प्लान को सुन के अपॉइंटमेंट है उनके अंदर एफ पहले रिकवर करता क्योंकि उस टाइम के बीच में दो नवंबर से अब 2024 तक बहुत प्राइस में बढ़ावट हमें देखने को मिली है तो उनका यहाँ पे लॉस हुआ है साथ ही साथ वो उतने वैल्यू के नहीं देने वाले जितने वैल्यू में अभी क्रिप्टो का प्राइस चल रहा है जो जो भी लोगों के है तो एफटेक्स ने बोला है जिनका बैलेंस फाइव थाउजेंड डॉलर है या उससे कम है उनको सिक्सटी डेज के अंदर अंदर रिपेमेंट हो जाएगी साथ ही साथ एफटेक्स जो है वो अपने क्रेडर्स को यहाँ पे बोल रही है कि उनके लिए उनकी वजह से हमारी विक्ट्री है कि हम उनको लोगों को यूजर्स को रिपे कर पा रहे हैं

तो थोड़ा स्क्रोल के ऊपर बात करते हैं स्क्रोल जो है वो जीके ईवीएम और जीके के रोल अप टेक्नोलॉजीज को यूज करेगा ताकि ट्रांजेक्शन फीस कम लग सके ट्रांजेक्शन की स्पीड बढ़ सके साथ ही साथ कंपैटिबिलिटी इथेरियम इकोसिस्टम के साथ ज्यादा बनी रहे तो यहाँ पे थोड़ी सी इसके डिटेलिंग पे बात कर लेते हैं क्या करना पड़ेगा तो सबसे पहले आपको बीएनबी और एफ डी यूएसडी को लॉक करना पड़ेगा ताकि आपको एस सी जो है एस एयर ड्रॉप मिल सके अब इसकी जो सप्लाई है वो वन बिलियन है उसमें से फिफ्टी फाइव मिलियन फाइव पॉइंट फाइव परसेंट सप्लाई है वो एलोकेट करी जाएगी जो भी लॉन्च लॉन्चपुर में रिवॉर्ड रखे जाएंगे उसके लिए अब इसकी फार्मिंग की बात कर लेते हैं तो फार्मिंग कितने बजे से होगी तो ये नाइन अक्टूबर को मिड से टेन अक्टूबर की इलेवन तक होगी रात के फाइनेंस जो है वो प्री मार्केट ट्रेडिंग के लिए भी इसे लिस्ट करेगा इलेवन uh, अक्टूबर को सुबह के दस बजे और पेयरिंग रहेगी एस सी आर यूएसटी के साथ वैसे तो यहाँ पे एग्जैक्ट एंड टाइम जो है वो अभी नहीं बताया तो एग्जैक्ट एंड टाइम यहाँ पे, uh, में किया जाएगा एंड पार्टिसिपेंट्स आर एडवाइस टू मॉनिटर फॉर अपडेट्स इन दिस रिगार्ड मूविंग टू नेक्स्ट न्यूज दिसक्यूमेंट्री से मोटो तो अभी जो एचपीओ पे बिटकॉइन की डॉक्यूमेंट्री लॉन्च हुई है मनी इलेक्ट्रिक द बिटकॉइन मिस्ट्री जिसमें एचपीओ जो है फिल्म मेकर है वो क्लेम कर रहे हैं कि हमें पता चल गया है असली सतोशी नाका मोटो कौन है तो यहाँ उन्होंने पीटर टोड का नाम बताया है क्योंकि वो पहले फॉर्मर बिटकॉइन डेवलपर रह चुके हैं अभी जो डॉक्यूमेंट्री है इसमें जो भी एविडेंस है वो सजेस्ट कर रहा है कि टोड ही सतोशी नाका मोटो है इंक्लूडिंग जो 2010 की पोस्ट ऑन बिटकॉइन टॉक बाय सतोशी नाका मोटो वो टोड के अकाउंट से बनाई गई थी द टोड ने क्रिप्टिक मैसेजेस यहाँ पे छोड़े हैं कि उसने 1.1 मिलियन बिटकॉइन जो है वो डिस्ट्रॉय कर दी है, sell off कर सेल ऑफ लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो मार्केट में पता चलता तो टोड ने यहाँ पे बिल्कुल ही मना कर दिया कि भाई मैं सतोशी का मोटर नहीं हूं और साथ ही साथ उन्होंने फिल्म मेकर को क्रिटिसाइज करा है और ये कहा है कि जो बंदा अपनी डॉक्यूमेंट्री से जाना जाता है क्यू एन एन जो भी नाम था इसका वो अब इस तरीके के वीक कनेक्शंस बना रहा है मुझे लेकर कि मैं हूं सतोशी नाकामोटो तो यहाँ पे कलन हुबक को इन्होंने क्रिटिसाइज किया है अब यहाँ पे एक और चीज बोली जाती है कि टोड यूज्ड अ स्यूडोनम टू गिव बिटकॉइन क्रेडिबिलिटी इन 2008 टोड वाज जस्ट फिनिशिंग अ फाइन आर्ट्स डिग्री ही वाजंट इवन इन द क्रिप्टोग्राफी वर्ल्ड येट तो कोई रीजन नहीं है उनका कि वुड हैव नीडेड अ स्यूडोनम ही वाजंट अ नोन फिगर और बिटकॉइन दो हजार बारह से पहले उनके रेडार में था ही नहीं तो ये उन्होंने कुछ चीजें बताई है अब यहाँ पे जो टोड है वो क्लेम करते हैं कि, कि वो जो क्रिप्टिक मैसेज है अबाउट डिस्ट्रॉइंग टोकन वो सिर्फ एक जोक था टेकन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट साथ ही साथ बिटमैक्स रिसर्च टीम जो है वो भी बोलती है कि एचपीओ ने जो क्लेम किया है

इनका जो कार्ड है एल्कमी पे का वर्चुअल कार्ड वो लोग यूज कर सके वर्ल्ड वाइड अक्टूबर एट से इन्होंने एक्सेसिबल कर दिया है हर जगह कि क्रिप्टो करेंसी जो भी होल्ड करता है तो वो क्रिप्टो करेंसी को यूज करके स्पेंड करके अपना जो भी ट्रांजेक्शन है वो कर सकता है कुछ भी उसे लेना हो चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो इन स्टोर में जाके भी कर सकता है अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा एल्कमी पे का वर्चुअल कार्ड यूज करने के लिए सैमसंग पे ऐप में अपना कार्ड ऐड करना होगा ताकि आप शुरू कर पाए अपनी ट्रांजेक्शन को एल्कमी पे ने पहले गूगल पे के साथ भी किया था और अब अपनी ये सर्विसेज को एक्सपैंड कर रही है सैमसंग पे के साथ जिसमें क्रिप्टो करेंसीज को यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं जैसे पेड करेंसीज को लोग करते हैं आसान तरीके से एलकमी पे जो है वो 2017 में फाउंड किया गया था और वन मिलियन यूजर्स है उसके इन वन कंट्रीज एंड ओवर फाइव कार्ड होल्डर्स अब ये अपना सर्विसेज को एक्सपैन कर रहे हैं डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स के साथ तो आप कहीं भी शॉपिंग कर सकते हैं जैसे अमेजोन से भी नेटफ्लिक्स Apple स्टोर फेसबुक ई बे जहां पे भी आपको शॉपिंग करनी है यूएस सुप्रीम कोर्ट नॉक्स बैक फेस ओवर फोर पॉइंट फोर बिलियन डॉलर सिल्क तो जैसे कि आप जानते ही होंगे सिल्क रोड जो है जो कि ऑनलाइन ब्लैक मार्केट थी डार्क वेब पे जहाँ पे प्राइमरली डील होता था इलीगल ड्रग्स में तो ये थवेंटी थर्टीन को एफ के थ्रू बंद कर दी गई थी और जिसके फाउंडर थे रोज अलब्रिक उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था एंड सेंटेंस टू लाइफ इन प्रिजन अब सिक्स पे 69,370 बिटकॉइन जो थे ये वहां से किसी हैकर ने चोरी किए थे और उस हैकर से सीज कर लिए गए थे ये इतने अमाउंट के बिटकॉइन अब तब से ये बिटकॉइन यूएस गवर्नमेंट की कस्टडी में है तो रिसेंटली यूएस कोर्ट ने आ, केस सुनने से डिनाई कर दिया है अब इसका मतलब क्या है कि जो यूएस गवर्नमेंट है उनके पास जितने बिटकॉइन है उसे वो सेल कर सकते हैं तो यहाँ पे यूएस गवर्नमेंट बिटकॉइन को आने वाले महीनों में सेल करने वाले हैं सारे इकट्ठे नहीं बल्कि ट्रांसेस में डेट यहाँ पे कुछ नहीं बताई गई अभी कि कब होगा अब सेलिंग की वजह से क्योंकि इतने अमाउंट के बिटकॉइन कम नहीं है और अगर सेलिंग होती है तो मार्केट वर्टिलिटी हमें देखने को मिलेगी देखते हैं कि कब इसे सेल करते हैं ये और कैसे कैसे कितने कितने अमाउंट में सेल करते हैं ताकि मार्केट को भी इफेक्ट ना पड़े moving to to next news, India's crypto discussion discussion paper paper on due to other priorities. September much much awaited, anticipated release काम है कुछ प्रायोरिटीज है जो इन्हें पहले करनी है उससे। अब अदर मैटर्स जो इम्पोर्टेंट है जो इमिडिएट uh, होने चाहिए जैसे वर्ल्ड बैंक की meetings have taken priority ओवर स्टेक होल्डर विच आर क्रूशल टू फेमिंग इंडिया स्टांस और बाकी और भी बहुत सारी चीजें हैं जैसे जैसे अपकमिंग आई एम एफ नैशनल बजट तो ये सब कुछ पहले देखेंगे उसके बाद जाके ताकि इसके ऊपर आएंगे ये कोई डेट इन्होंने इन नहीं बताई कि कब आगे रिलीज करेंगे मैटर क्रिप्टो का था इस वजह से ये थोड़ा सा डिले हो रहा है बाकी अगर टैक्स की बात करे तो वो तो नहीं रुकेंगे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के रिगार्डिंग बाकी एक्सचेंजेस को भी कम्प्लाइंस करना पड़ेगा लेकिन पेपर बाद में आ जाएगा आपके कुछ व्यूज है इस चीज को लेकर तो आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं बाकी थैंक यू एवरी वन बीग टिल लास्ट विद मी इन दिस वीडियो विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन बाय बाय टेक केयर